ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, जैसे आप सबको पता है ये मंथ गुरुजी का बर्थडे मंथ है और इस मंथ में जितनी ब्लेसिंग्स आप महाराज से बटोरना चाहो ना आप बटोर सकते हो। आपकी झोलियाँ छोटी पड़ जाएंगी लेकिन महाराज की ब्लेसिंग्स कम नहीं होंगी। बस शर्त यह है कि आपकी झोली कितनी बड़ी है। और जो भी सत्संग महाराज हमारे इस चैनल पर, महाराज का ही चैनल है, इस चैनल पर अपलोड करवा रहे हैं गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में, सारे ही ब्लेस सत्संग होने वाले हैं महाराज के। आज का सत्संग भी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है। सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं वापस आपसे रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि सत्संग दो पार्ट में है, दोनों पार्ट इसी सत्संग के अंदर ही अपलोड किए गए हैं। पहला पार्ट 10 मिनट का, उसके बाद 10 मिनट के बाद अगला पार्ट ही सत्संग का स्टार्ट हो जाता है। लास्ट तक सुनिएगा सत्संग को, बहुत ब्लेस सत्संग है महादेव का। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किए हैं अमृतसर से राधिका आंटी जी ने। हाँ जी, अमृतसर से राधिका आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं राधिका अमृतसर से, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सॉरी गुरु जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने में बहुत लेट हो गई हूँ, पर अब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कुड़ी गल कुड़िए, हूँ तो शुक्राना भी करना तो बंद कर दिता। तेरे घरों आवाज़ नहीं आई शुक्राने दी, तो मैं उसके लिए सबसे पहले रियली सॉरी गुरुजी, मैं लेट हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता आपने बहुत मेरे पे मेहर की है तो मुझे अपना सत्संग जल्दी शेयर करना चाहिए था, पर आपने मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियाँ भी दी हुई हैं तो उसको पूरा करने में ही मैं लेट हो गई। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग अब शुरू करती हूँ। मैंने संगत जी लास्ट सत्संग में अपने बताया था कि मुझे ब्लैक मैजिक के रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और एक सपना भी आया था बुरा सा। तो उसके बाद मुझे फिर एक हफ्ते बाद एक सपना आया, जैसे दो काले चोर हैं, काला कपड़ा बांधा हुआ है उन्होंने मुंह पे और वो मुझे ना मारने के लिए दौड़ रहे हैं। कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, जैसे पता नहीं कहाँ पे हूँ मैं। और मेरे मायके वाली ना साइड, मतलब वो मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर सब वहीं होते हैं, तो एकदम से ना फिर वो मुझे मारने को आते हैं, चाकू मारने को आते हैं। और मेरा ना भाई आ जाता है और वो ना चाकू मेरे ऊपर कर देता है और मेरी मम्मी बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, तो अपनी बहन को मारेगा। कहता नहीं, ये चोर ना इसको मारने आएंगे, मैंने ना इन ये जब आएंगे इसको मारने तो मैं इनके ना जो नकाब इन्होंने डाले हुए हैं ब्लैक कलर वाले, जो इन्होंने फेस अपने छुपाए हुए हैं, तो मैं इनके फेस देख लूँगा। और मेरी नींद खुल जाती है, मैं बहुत डर गई थी। मैंने नारंग अंकल को भी फ़ोन किया कि मुझे ऐसे फिर से सपना आया, तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल कुछ करना चाहिए। कहते आंटी आप टेंशन मत लो, आप कुछ ना करो। तो मैंने उनको बताया कि अंकल मैं ना सुखमनी साहब का पाठ भी कर रही हूँ। कहते बहुत अच्छी बात है, आप वही करो। और गुरु जी के बाद में फिर मुझे मैसेज भी आया कि तू डरना, तैनू कोई चक्करों के पैन की लोड़ नहीं हैगी, तो जो कर रहे हैं मैं ही कर रहा हूँ। और क्या पता गुरुजी ने पता नहीं कौन सा मेरे ऊपर से संकट आने वाला था और उन्होंने मेरे वो संकट दूर किया। मुझे गुरुजी ने ही बोला था कि तो सुखमनी साहब का पाठ किया अगर, बीच बीच में छूट जाता है पर सारा तो नहीं मैं संगत जी कर पाती, थोड़ा थोड़ा मैं करके रोज़ करती हूँ, तो पर कर रही हूँ, कोशिश मैं अपनी पूरी कर रही हूँ कि गुरुजी ने बोला हुआ है। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं गुरुजी के, तो ये कर वो कर, पर मुझसे कुछ नहीं भी हो पाता तो उसके लिए रियली सॉरी गुरुजी। मेरे से जितना हो पाता मैं वो ही कर पाती हूँ, तो आप मुझे पता है कि आप मुझे उस ये जो मैं जो भी कर रही हूँ आप उसमें भी मुझे बहुत ब्लेस कर देते हो। तो एक मैं अपना सत्संग ये बताना चाहती हूँ, मुझे ना डुगरी से ना कैलेंडर मिला था गुरुजी का, तो
कैलेंडर मिला तो गुरुजी के जो स्वरूप मुझे हम मतलब कैलेंडर में दिखते हैं वही वही स्वरूप के ना मुझे मैसेजेस आते हैं, और मैं इतनी हैरान होती हूँ कि वही वही पोस्ट के मैसेजेस मतलब वही स्वरूप के मैसेजेस मुझे ना शो होते हैं इंस्टाग्राम पे। और सब समटाइम्स ना मतलब बड़ी हैरानगी होती है कि देखो कैसे गुरुजी को पता चल जाता है कि आज ये वाला कैलेंडर कब हो गया है। वो बड़ी हैरानी वाली बात है, पर ये तो गुरुजी की लीलाएं हैं तो हम तो समझ ही नहीं सकते, ये तो हमारे दिमाग के ऊपर से ही निकलने वाली बातें हैं, है ना गुरुजी। तो गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि मैं हूँ कुड़ी है तेरा ब्लैक मैजिक काट देता है, तो क्या पता ये जो मुझे बुरे बुरे सपने आए थे तो वो मेरे ब्लैक मैजिक के ही काटने के ही संकेत होंगे। तो मैं मुझे घर पे बटरफ्लाई का भी मरी हुई दिखाई दी। और एक बार ना संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि ना एक गोल्डन कलर का मच्छर था शायद, वो ना बटरफ्लाई जैसा दिखता था, मुझे नहीं पता कि बटरफ्लाई नहीं थी एक्चुअल, पर वो था मच्छर ही। वो ना एकदम से मेरे रूम में आया और अंदर स्टोर की तरफ चला गया। मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी और मुझे नहीं पता कि वो कब मेरे पैरों के नीचे आके ना मर गया, या पता नहीं कैसे मर गया मुझे नहीं पता, पर वो मरा हुआ मिला मुझे बाद में फिर रूम में। मैं इतना गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी अगर मेरे से मर गया तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। तो मैंने उसको जानबूझ के नहीं मारना चाहती थी, पर पता नहीं वो कैसे मर गया। फिर उसके बाद ना संगत जी मेरे बैल्कनी में ना कबूतर ने ना दो बच्चे दिए थे अपने, तो जब गुरुजी ने मैसेज मुझे भेजा था कि तेरा ब्लैक मैजिक कट देता हूँ, तो उसके नेक्स्ट डे वो जब कबूतर के बच्चे थोड़े बड़े 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 हो गए थे, तो एक ना कबूतर का बच्चा बाहर आ गया वो थे मतलब जहाँ अपने घोंसले से, तो वो मेरी बैल्कनी के गेट के बाहर आके मर गया। और नेक्स्ट डे जब मैं कपड़े धो रही थी तो दूसरा बच्चा ना मेरी शक्ल देख रहा है जैसे पता नहीं क्या कैसे देख रहा हो मुझे। तो मैं तो आराम से अपने पास में बैल्कनी में कपड़े धो रही थी, वो मेरी शक्ल देखते देखते मुझे ये लग रहा कि वो सो रहा है, तो सोते सोते वो कब मर गया मुझे नहीं पता। मैं तो शाम को जब कपड़े बैल्कनी से उतारने गई हूँ तो देखा भी वो भी मर गया। मुझे इतना अफसोस हुआ है कि एक निर्जीव की हत्या हो गई, पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट था वो उसने अपने ऊपर ले लिया। एक कबूतर पहले मर गया मतलब कबूतर के बच्चे मर गए, पता नहीं कौन सा कष्ट मेरा या मेरे हस्बैंड के ऊपर था तो गुरुजी ने उस पर डाल दिया। तो बहुत सी फीलिंग्स ही मतलब अजीब सी आई कि हमारी वजह से निर्जीव हत्या हो गई है, पता नहीं कौन सा कष्ट था। तो मैंने फिर वो कबूतर के बच्चे के ऊपर गंगा जल डाला, तो नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने उसको बाहर मतलब रख दिया। तो बहुत फील हुआ, पर फिर गुरुजी को मैंने बोला कि अब आप देखो आप क्या कर रहे हो, आप ये लीला तो आप ही जानो। उसके बाद ना संगत जी मेरा ना कोई पार्सल आने वाला था, तो मैडम ने बोला था कि ना आपके ना 400 रुपये लगेंगे पार्सल के, तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं देने, तो मेरे तो ऑलरेडी बहुत खर्चे हुए हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं नहीं देने पैसे, आप खुद देख लेना। और संगत जी आप इतनी हैरानी वाली बात है कि वो ना पार्सल वाले ने मुझे बोला ही नहीं कि आप मुझे पैसे दो, आपके पार्सल के इतने पैसे हैं, उसने बोला ही नहीं, वो मेरे से साइन करवा के और पार्सल दे के चला गया। मुझे इतना शुक्राना किया गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी थैंक यू आपने मेरे पैसे नहीं लगने दिए। तो मुझे ना फिर गुरुजी ने मतलब मैं ऊपर जाती थी ना जब सूर्य को जल देने, तो मुझे कितनी बार गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा था कि तेरे हेल्थ के ऊपर संकट था तो तू ना वॉक किया कर। मैंने वॉक शुरू की तो फिर छूट गया, बहुत सारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैं थक जाती थी तो अब बीच में कभी मतलब अब गई ही नहीं। आज अगर मैं गई हूँ तो गुरुजी ने आज मुझे फिर से बटरफ्लाई वाइट वाली येलो वाली मतलब मेरे पास से हो गया। मैं इतनी खुश हो गई कि थैंक यू गुरुजी आपने मेरा दिन बना दिया, आपने मुझे दर्शन दे दिए साक्षात, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर ना मैं वैम करती थी अपनी किचन में ना नॉनवेज बनता था, मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया भी था कि मुझे वैम आता है, और गुरुजी ने ना मुझे मतलब मैं क्या बोलूँ मेरे किचन में ही ओम बना दिया है गुरुजी ने किचन की शेल्फ पे। तो वैम ना किया अगर मैं सब चीज़ों में मतलब मैं अपने हस्बैंड को वो नॉनवेज के साथ चपाती खा रहे हैं और उनकी चपाती पे ओम बन रहा है। अब देखो अब मानो क्या मतलब कैसे कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं, मैं नहीं समझ पाती। मैं तो बस यही उनसे अरदास करती हूँ आप ये मेरे हस्बैंड का ये जो नॉनवेज और जो ड्रिंक की जो उनको आदत लग गई है जो थी नहीं
उनको नहीं आदत थी, पता नहीं कहाँ से मेरे हस्बैंड को क्या क्या ये मतलब ये आदत लग गई है कौन, तो वो भी गुरुजी को मैंने बस अरदास करी हुई है प्लीज़ गुरुजी ये उनकी आदत भी ना हटा दो। मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता, घर पे नॉनवेज तो बनना ही नहीं चाहिए ना, खाना तो बाहर से खाओ घर पे ना बनाओ, घर पे मतलब साफ़ सुथरा एकदम रहना चाहिए कि भोग लगे सब लड्डू गोपाल जी को वो गुरु जी को अच्छी वाली फिर वाइब्स आती हैं। तो बाकी अब गुरु जी की लीला तो गुरु जी ही जाने। उसके बाद ना संगत जी मैं अपने एक दो सत्संग पहले मैंने बताया था कि मेरे छोटे ब्रदर का ना बीपी बहुत बढ़ता था और वो उसको आईसीयू में भी हुआ था, वो हॉस्पिटलाइज हुआ था। तो जब मैं बड़े मंदिर गई थी तब की बात है, तो अब पीछे ना मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया था कि तेरे भाई के ऊपर भी बेटा कष्ट था, वो नहीं मानता पर तू उसका शुक्राना कर। तो मैंने तेरे भाई को ना मतलब उसका बहुत बड़ा कष्ट टाला है उसकी उसको न्यू लाइफ ब्लेस करी है, वो नहीं मानता पर तू मान, तो तू तो मानती है ना, तो उसका शुक्राना तू कर। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उसकी अभी प्रॉब्लम अभी ठीक नहीं हुई है संगत जी, मतलब उसकी किडनी में ना प्रॉब्लम आई है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले लिया था उसने सप्लीमेंट, तो उसकी उसने बहुत सारा डैमेज किया उसकी किडनी को। तो मैं तो बस यही बोलूँगी वो जल्दी से ठीक हो जाए और अपनी फैमिली का अपने बच्चे का अपना खुद का सबका ध्यान रखे, तो गुरु जी सबको ब्लेस करें। बाकी मैंने बस अरदास लगाई हुई है गुरु जी को, मुझे जल्दी जल्दी बड़े मंदिर बुला लो, पता नहीं मेरी कब टर्न आएगी गुरु जी। मैं तो बस यही बोलती हूँ कि आप मुझे जल्दी जल्दी बड़े मंदिर बुला लो, तो मेरा बहुत मनना है, बहुत सारे सत्संग कर आपने मेरे साथ किए हैं, तो मैं तो बस एक बार आपको वो ना बड़े मंदिर आके शुक्राना करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं रोज़ मिल के जाती हूँ गुरु जी को, भोग लगवाती हूँ, पर पता नहीं अंदर से आत्मा जैसे ना तड़प रही हो गुरु जी के बड़े मंदिर जाने को। ये तो गुरु जी को पता हो कि उन्होंने कब वहाँ पे बुलाना है, अब वो बोलते हैं कि तेरा वक्त आ गया है, तू आ जा बड़े मंदिर आ जा, अपनी खजाने की चाबी ले जा। तो चलो अब तो मैं बस वेट कर रही हूँ कि गुरु जी मुझे बुलाएं। तो बस संगत जी मेरे फ़िलहाल यही सत्संग है, तो मैं अब सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं राधिका अमृतसर से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज आया आज, बेटा आज गुरुवार है, गुरु दा वार, ते शुक्राना ज़रूर करी। बहुत टाइम से मैंने शुक्राना सत्संग नहीं किया, सॉरी गुरु जी, बहुत लेट हो गया, आपने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे, तो रियली सॉरी गुरु जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत बार सत्संग रिकॉर्ड करने की कोशिश की है पर बीच में कुछ ना कुछ हो के फिर छूट जाता है गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना आप गुरु। मुझे संगत जी मैसेजेस आए थे गुरु जी के, कुड़िए तेरी इनकम वधन वाली है, तो मुझे नहीं पता कि कैसे बढ़ने वाली है क्या नहीं, तो ये सब गुरु जी की प्लानिंग्स हैं, तो मैं अब वो आपको सब बताती हूँ। तो हम मेरे हस्बैंड बैंक गए थे अपने कुछ अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के लिए, तो वहाँ पे पुराने मैनेजर ने कहा कि मेरी ट्रांसफ़र हो गई है, तो न्यू मैनेजर आए हैं, तो ना आप इनको रेंट पे जगह दे दो। तो मेरे हस्बैंड के पता नहीं क्या माइंड में आया, तो वो ना हमारे ही घर ले आए उसको, तो उसको उसने देखा तो उसने बोला कि मैं बताऊँगा आपको। मैंने फिर अपने हस्बैंड को पूछा कि रेंट पे ऐसे देना है तो आपके मतलब दिमाग में था ऐसा कुछ, तो कहते नहीं। तो मेरे माइंड में आया कि चल दे देते हैं, तो अगर उसकी अगर आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना तो ना सी। तो पर उन्होंने साथ में ये भी बोला अगर तेरे गुरुजी की मर्जी है तो वो ज़रूर आएगा, उसका रिप्लाई ज़रूर आएगा, पर और हम उसमें से कुछ डोनेट करेंगे, वो हम मैं नहीं बता सकती क्या हमने क्या डोनेट किया, क्योंकि गुरुजी ने बोला हुआ है कि तेरे दूसरे हाथ में भी ना पता चले कि तू क्या कर रही है, ठीक है ना संगत जी, यही बात होती है ना। तो वो नहीं मैं बता सकती, तो पर गुरुजी ने वो काम करवा दिया। एक दिन तो उसका रिप्लाई नहीं आया, तो नेक्स्ट डे गुरुजी ने
वो काम बनवा दिया, उसका कॉल आया कि हाँ हमें ना पोर्शन हमें नीचे का पसंद है तो वो आ रहा है। तो उसी शाम को मेरा सारा सामान ऊपर आ गया, तो ऊपर आ गया सारा सामान और किचन नई बन गई, मंदिर भी ऊपर आ गया। मैंने पिछले अपने सत्संग में बताया था कि मैं अपने हस्बैंड के नॉनवेज से मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि घर पे नॉनवेज ना बने ये वो सब, तो गुरुजी ने मेरी ये बात भी पूरी कर दी। उन्होंने किचन के पास ही मंदिर है, क्योंकि अब स्पेस तो उतनी ही है, दो रूम्स हैं तो किचन पास में है, पास ही में मंदिर है, तो और साथ ही में ड्राइंग रूम बन गया। तो अब फिर किचन में अगर नॉनवेज बनेगा तो स्मेल तो मंदिर में जाएगी ना, तो किचन में नॉनवेज बनवाना गुरुजी ने बंद कर दिया। मतलब नॉनवेज अभी बनता है, ये नहीं है कि नहीं बनता, पर वो रूम में बनता है इंडक्शन पे, तो और बाहर बैल्कनी में उसके वो धुल जाते हैं बर्तन, पर किचन में कुछ नहीं आता। तो वो भी गुरुजी ने पूरा किया, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। पता मुझे नहीं पता चलता कि कैसे कैसे मेरी मतलब वो पूरी कर रहे हैं गुरुजी, मेरी इच्छाएं सब जो भी दिल में मैंने उनको बोला गुरुजी को, वो भी पूरी कर रहे हैं। और जो मेरे दिल में थी गुरुजी के मतलब मेरे दिल में थी उनकी प्यारी प्यारी बेटी की, क्योंकि मुझे पता चल गया है गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपने सत्संग में वो सारी ब्लेसिंग्स जो मुझे गुरुजी ने दी है ना, वो सब मैं बताऊंगी। तो संगत जी, जब मेरी किचन बन रही थी ना, मैं आपको अपना सबसे बड़ा सत्संग ये शेयर कर रही हूँ कि वो ना जब किचन बन रही थी ना, तो जो मिस्त्री होते हैं ना जो किचन बना रहे थे, उसमें 2 दिन तो मिस्त्री मतलब बड़े सही से रहे। तो थर्ड डे ना ऐसे हुआ कि वो ना एक मिस्त्री मतलब एक भैया उसमें, वो ना मेरे मैं नहाने गई हुई थी, रूम मैंने बंद किया हुआ था पर मैंने लॉक नहीं लगाया था कि मुझे ध्यान रहेगा बाहर का, तो मैं अंदर वॉशरूम में घुसी हूँ। तो मेरे माइंड में आ भी रहा कि मैं लॉक लगा लूँ, तो लॉक नहीं किया पर मैं वॉशरूम में घुस गई। वो ना सामने का वॉशरूम छोड़ के मेरे रूम में आ गया। आप मानो संगत जी, गुरु जी का स्वरूप सामने लगा है। अगर उसने दरवाजा थोड़ा सा भी मतलब मेरा खुला होता तो मेरी क्या इज्जत रह जानी थी, और वो मतलब क्या मतलब सोच के आया था क्या नहीं, पर वो मैंने मुझे ना मतलब एक हल्की सी ना झलक दिखी वॉशरूम की, थोड़ी सी भी ऐसी सी होती ना, थोड़ी सी स्पेस सी उसमें ना मुझे ऐसे कुछ चलता हुआ नजर आया, कुछ दिखा नहीं। मैंने पूछा कौन है कौन है, वो ना भाग गया। तो जब मैं वॉशरूम से बाहर निकली तो फिर मैंने उसको बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये वो सब, तो वो ना भाग गया घर से, काम छोड़ के चला गया। उसके पता नहीं क्या माइंड में था क्या था, गुरुजी ने मेरी इज्जत तो बचा ली, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो गुरुजी ने तो वो मेरी इज्जत तो ख़राब नहीं ना करनी थी, गुरुजी को पता है उनकी बेटी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं उसके मतलब ये शुक्राना वर्ड भी बहुत छोटा है गुरुजी, जैसे जो मतलब आपने मेरी इज्जत बचाई, तो वो मतलब भाग गया कि अगर मैं उसको मतलब पकड़ लूँ, कोई भी पकड़ ले, मेरे हस्बैंड उसको मिल लेते तो वो उन्होंने तो थप्पड़ लगा देना था। और इवन की संगत जी उसने माफ़ी भी नहीं मांगी, वो कहता सामने वाले वॉशरूम में ना पानी नहीं आ रहा था, तो वो उसने थोड़ा सा भी गिल्ट महसूस नहीं किया, ना ही उसने मुझसे माफ़ी मांगी कि नहीं बेटा या नहीं बहन, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं बोला और वो भाग गया। मतलब उसके मन में कुछ चोर था तभी वो भागा ना, अगर उसमें उसको थोड़ा सा भी रियलाइज़ हुआ होता तो वो मुझसे माफ़ी तो मांगता ना, अगर उसके दिल में कोई चोर नहीं था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी इज्जत बचाई। उसके नेक्स्ट डे संगत जी मिस्त्री लगे हुए थे, आपको मैंने जैसे बताया कि घर पे जैसे दूध लग गया, तो थोड़ा सा ना दूध बचा हुआ था, तो मैंने ना गुरुजी को बोला गुरुजी मैंने ना आपको आज चाय नहीं भोग लगानी, दूध जूठा है मतलब वो यूज़ किया हुआ है, तो चाय जब शाम को दूध आएगा ना तो तब भोग लगाऊंगी। तो मैंने ना ऐसे चाय ना एक सिप करके ना रख दी, पहले मैंने सोचा कि पानी पी लूँ तो फिर मैं गुरुजी को सॉरी खुद चाय पीती हूँ। तो आप मानोगे संगत जी, मेरी चाय में की मलाई में ओम बना हुआ और 7 नंबर बना हुआ, मतलब मेरी जूठी चाय को गुरुजी ने ब्लेस किया, भोग लगाया। आप इतना प्यार करते हो गुरुजी, मैं आपको कैसे कैसे शुक्राना करूं, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो आप,
मेरा सच्ची मन भर जाता है कि जब भी मैं ये चीज़ें सोचती हूँ कि मुझे कैसे कैसे गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। मेरी लाइफ गुरुजी ने 360 डिग्री मतलब पूरा ही ट्रांसफॉर्म कर दिया है। मतलब मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि मैं घर से चली गई थी, मेरे हस्बैंड के और मेरे इश्यूज हुए, मतलब गुरुजी ने सारा कुछ ही चेंज कर दिया मेरी लाइफ में, एकदम स्मूथ कर दिया, एकदम ट्रैक पे कर दिया। मुझे घर पे अपने ससुराल में इतनी इज्जत दिलवाई, मेरी किचन का कर दिया गुरुजी ने, मतलब सब कुछ पास पास में कर दिया जो ऊपर नीचे था। हर एक दिल की जो विश थी वो सब पूरी कर रहे हैं गुरुजी धीरे धीरे। मुझे इतना प्यार कर रहे हैं गुरुजी, मतलब रोज़ 777 की ब्लेसिंग्स मुझे दिखती हैं, मुझे रोज़ एंजल नंबर्स दिखते हैं, 333 दिखता है, 555 दिखता है। आज भी मुझे 5777 की ब्लेसिंग मिली है, 778 की ब्लेसिंग मिली है अमृतसर में। मुझे आज तक 777 की गाड़ी कभी नहीं दिखी थी, मतलब मैं कभी बाज़ार भी जाती हूँ तो गुरुजी का मन में सोचती हूँ और मेरे इस आगे से ऑटो निकलता है, उस पर गुरुजी का स्वरूप लगा होता है। फिर मैं चप्पल लेने गई हूँ, वहाँ पे मुझे 777 की कार दिखती है। तो ये क्या है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। स्कूटी के ऊपर कभी गुरुजी ब्लेसिंग्स लिखा होता है, कभी गुरुजी लिखा होता है, मतलब अमृतसर में भी इतनी संगत हो गई है गुरुजी की, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो गुरुजी सबको। तो मतलब हर जगह गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे दिखती हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप मेरे साथ हर संग हर टाइम पे मेरे साथ साथ हो, मेरे मतलब मैं क्या क्या बोलूँ आपको, कैसे शुक्राना करूँ। बहुत छोटा वर्ड है गुरुजी ये शुक्राना भी, पर आपकी ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि ना मुझे गुरुजी के ना ड्रीम दर्शन हुए, तो मुझे ड्रीम याद नहीं है, पर उस ड्रीम में ना गुरुजी ने ऐसे मुझे मतलब बोला कि ना मैनू कढ़ी चावल का भोग लगाई और मेरा ड्रीम खुल गया, मतलब नींद खुल गई। तो बस मुझे वो ना कढ़ी चावल का बस याद था, तो मैंने सोचा हुआ था कि जब किचन अब ऊपर बनेगी ना तो एक छोटा सा मतलब एक घंटे का सत्संग करेंगे, तो उसके लिए मतलब वो गुरुजी ने शायद मुझे बोला था कि कढ़ी चावल का भोग लगाई, उसके वहाँ का भी ना एक सत्संग है। तो उस वो ना जब हमने सत्संग करना था तो तब कढ़ी चावल मैंने बनाना स्टार्ट किया, तो कढ़ी ना मतलब आगे पीछे बहुत सही बनती है। उस दिन ना कढ़ी बहुत पतली सी बनी, तो मेरे सिस्टर इन लॉ भी आए हुए थे, बच्चे रहने आए हुए थे, गर्मी की छुट्टियाँ थी, तो वो ना जीजू बोलते हैं कि ना राधिका ये ना कढ़ी पतली है तो तू ना इसे कर थोड़ा सा बेसन डाल दे। और मैंने डाला बेसन, वो फिर पतली, तो फिर वो बोलते कि इतनी क्वांटिटी में ना और डाल दे तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा जीजू ठीक है। तो फिर वो ना उन्होंने ना ऐसे मतलब हिलाया, कहते अब ठीक है, तो अब ये क्वांटिटी ठीक रहेगी। तो वो भी गुरुजी का मतलब शुक्राना कि उतनी क्वांटिटी में वो सब ठीक हो गया। तो पर मैंने ना उनको बोला जीजू कि ना मतलब इतना नमक मैंने डाला था तो अब थोड़ा सा नमक और डाल दूं तो ये ना हो कि नमक कम हो जाए। और गुरुजी ने सिर्फ आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी काली मिर्ची डलवाई ऊपर से कि शायद पहले शायद नमक ज़्यादा हो गया होगा या कुछ भी ऐसा हो गया हो जो उन्होंने मतलब कढ़ी पतली कर दी है, क्या था मुझे नहीं पता। और जब कढ़ी का भोग लगा तो कढ़ी इतनी टेस्टी बनी हुई थी, सभी ने बोला कि कढ़ी इतनी टेस्टी बनी है। और गुरुजी का प्रसाद भी, मेरी मतलब सिस्टर इन लॉ की बेटी भी बोली मामी आज तो कड़ा वो आपने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत टेस्टी बनाया। मैंने कहा बेटा मैंने नहीं बनाया, गुरुजी ने बनवाया। कहती हाँ मामी बहुत ही अच्छा बना। और ना जब हमने एक घंटे की प्लेलिस्ट लगाई तो हमने फूल भी सजाए, बाहर मेन गेट पे भी सजाए और अपने ऊपर मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं पोर्शन पे तो वहाँ पे भी सजाया, उसमें भी गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए। और एक संगत जी एक और मिरेकल हुआ उस दिन, तो ऐसे था कि वो ना प्रसाद बांट रहे हैं और कैसे एक फूल की पेटल ना मतलब वो प्लेट के साथ चिपकी हुई वो मेरी प्लेट में आ गई, मुझे नहीं पता। मेरे सिस्टर इन लॉ ने मुझे प्रसाद दिया तो उसमें ये पेटल निकली और वो सब बोल रहे थे कि किसी की प्लेट में नहीं गई पेटल फूल की,
गुलाब की पेटल तो तेरी प्लेट में आ गई, तुझे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो फिर ऐसे हुआ कि ना संगत जी, थोड़े दिन बाद ना मुझे फिर से ना ड्रीम दर्शन आए गुरुजी के, गुरुजी थे कि ऐसे था कि मैं ना बाज़ार गई हुई हूँ, जैसे सत्संग के लिए ही ना सब्जी लेने गई हूँ, और मैं किसी मार्केट से निकलते निकलते ना किसी मंदिर में घुस जाती हूँ, और एक मंदिर से निकलती हूँ उसमें भी शिवलिंग, और फिर एक मंदिर से निकलती हूँ फिर दूसरे में घुसती हूँ वहाँ पे भी शिवलिंग, मतलब इतने इन्फिनिट शिवलिंग होते ना, और मैंने वो आज तक मंदिर नहीं कभी देखा, वो पता नहीं कब कहाँ से कौन सा मंदिर है मुझे नहीं पता। तो गुरुजी ने मतलब ऐसे मुझे ब्लेस किया, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी शुक्राना। तो संगत जी मैंने बताया था कि मैं मतलब अपने हस्बैंड के साथ शॉप पे भी जाती हूँ, तो ऐसे हुआ कि मैं ना शॉप से घर आई, तो मैंने ना सामान निकाला स्कूटी में से, तो स्कूटी की चाबी ना नीचे ही लगी रह गई, तो मुझे याद भी नहीं था। और जब मेरे हस्बैंड, मैं मतलब ना सब काम कर लिया किचन का सब, 2-2.5 घंटे वो चाबी की उसके साथ ही लगी हुई है स्कूटी के साथ, और हमारा घर ना संगत जी वहाँ पे है, मतलब पूरा चलता हुआ बाजार है, पास में स्टेशन है, तो मतलब कोई भी आके लेके जा सकता था, पर गुरुजी ने मेरी स्कूटी कहीं जाने नहीं दी। संगत जी मैं ऊपर पाठ कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड आए, तो वो बोल रहे हैं कि राधिका मुझे चाबी दे, तो मैं स्कूटी को ना अंदर घर के अंदर लगा दूँ, तो फिर हम मतलब खाना खा ले, डिनर कर ले। तो मैं बोल रही हूँ यार चाबी तो मिल ही नहीं रही, फिर जाके देखा कि चाबी तो उसके साथ ही लगी हुई है, और मैं ऊपर गुरुजी से मांग रही हूँ गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, मतलब ये वो सही बात बोलते ना, सब बोलते हैं कि मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए गुरुजी को। सच में मैंने तो ये चीज़ मैं क्या छोटी छोटी चीज़ें मांगती रही, और गुरुजी ने मेरी स्कूटी बचा दी, मतलब आज वो 1 लाख के अराउंड हो गई हुई है, अगर वो कहीं कोई ले जाता तो मेरा क्या ही बनता, कितना मतलब इतनी ईजी तो नहीं है आजकल चीज़ें लेने, तो गुरुजी ने वो भी मुझे मतलब मेरा नुकसान होने से बचाया, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो एक ना गुरुजी का एक और मेरे साथ सत्संग हुआ, हम हस्बैंड वाइफ ना घूमने जा रहे थे, उस दिन ना मेला था यहाँ माता रानी का, काली माता का मेला था, भद्रकाली मेला था, हमारे घर के पास ही लगता है। तो तब हम जा रहे थे, बहुत सारी ना ट्रैफिक थी, तो मेरे से ना घर की चाबी ना गुम हो गई, मुझे लगा कि मैंने वहाँ रख दी है अंदर, तो वो एक्चुअली ना सीट के नीचे गिर गई थी पर हमें मिल नहीं रही थी, तो हम ना मतलब चलती हुई गाड़ी में ही ना ढूंढने लग गए चाबी को। तो और एकदम से ही ना मेरे हस्बैंड ने ना ब्रेक लगाई, और अगर वो ब्रेक ना लगती, आगे कार थी, मतलब वो उसी टाइम पे 25-30 हज़ार का नुकसान हो जाना था। तो मतलब गुरुजी ने वो ब्रेक अगर ना नहीं भी लग सकती थी, तो मतलब इतना मतलब गुरुजी ने हमें उस नुकसान से भी बचाया कि तुम मतलब अपने साथ मुझे लेके चलते हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ये फील करो, और तुम ये सोचो कि मैं तुम्हें किस चीज़ों से बचा रहा हूँ। जैसे गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि मैं तेरे साथ अंग संग हूँ, तो मुझे बस फील किया कर, तो मुझे महसूस किया कर। और सच में संगत जी गुरुजी मेरे साथ हैं, और ऐसे ऐसे मुझे मतलब इंसिडेंट हो रहे हैं मेरी लाइफ में, तो बहुत सारे सत्संग मेरी लाइफ में चल रहे हैं। वो गुरुजी बोलते हैं ना, जब तक तेरा काम ना हो जाए तो किसी नू ना दस्या कर, तो बहुत सारे अभी सत्संग मेरे कंटिन्यू चल रहे हैं, वो जब पूरे होंगे तो मैं वो भी शेयर करूँगी। तो फिर संगत जी एक और सत्संग हुआ मेरे साथ, मेरी ना वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई हुई थी, तो मैंने वो गुरुजी को नहीं बोला था कि मुझे ये लेके दो, मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि ना यार वॉशिंग मशीन ना ख़राब हो गई हुई है, मतलब उसका स्पिनर का टब नहीं चलता, तो वो 2 घंटे लग जाते थे मुझे कपड़े धोने में, तो मैं उनको हमेशा बोलती थी, और गुरुजी ने मुझे वॉशिंग मशीन भी दिलवा दी। मतलब मन की बातें गुरुजी ने हर एक चीज़ पूरी कर दी, वो भी मेरी पूरी कर दी गुरुजी ने कि तुम वो भी ले आओ, अब वो मेरा काम 1 घंटे में ही हो जाता है। गुरुजी को पता है उनकी बेटी के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं,
उसने घर भी संभालना होता है, उसने शॉप पे भी जाना होता है, तो गुरुजी ने मेरा वो भी काम जल्दी जल्दी से करवा दिया कि तू चल वो भी कर, तू वो भी ले आ। चाहे हमने मतलब कैसे भी ली है, वो चीज़ तो आ गई, एक बन गई है हमारी, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक सत्संग और हुआ तो ना, जैसे ईशा फाउंडेशन वालों ने ना मतलब रुद्राक्ष बांटते हैं, तो मैंने ना शिवरात्रि पे ना उनका फॉर्म फिल किया था, उस पर ना आ रहा था कि ना आप रुद्राक्ष की अगर लेना हो तो आपको इतनी पेमेंट करनी पड़ती है, और साथ में ना फ्री वाला भी था। मैंने ना ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे, तो मैंने सोचा चल आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं ना फॉर्म फिल करके भूल गई कि मैंने पेमेंट नहीं करनी, तो ऊपर मैंने ना नीचे पढ़ा था कि फ्री वाले रुद्राक्ष ना आते ही नहीं हैं, तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया कि छोड़ दिया कि चल आना होगा तो ठीक है। तो अब दो दिन पहले ना संगत जी मेरे घर पे ना रुद्राक्ष मतलब पार्सल आया, तो मैंने सोचा कौन सा पार्सल आ गया, मैंने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किया। तो उसने बोला मैम रुद्राक्ष आए हैं। मैंने सोचा हैं रुद्राक्ष, तो फिर मेरे माइंड में आया कि अच्छा अच्छा मैंने तो ऐसे ऐसे मतलब किया था फॉर्म फिल, तो वो रुद्राक्ष आए हैं। तो मैंने उसके लिए भी शुक्राना किया गुरुजी को, गुरुजी आपने भेजे ना, क्योंकि कितने फॉर्म्स ईशा फाउंडेशन वालों को कितने इनफाइनाइट मतलब फॉर्म्स वहाँ पे फिल होते हैं, तो वो वहाँ पे रुद्राक्ष की पूजा करते हैं सब मतलब वो विभूति की सब मतलब हर एक चीज़ की पूजा होती है, और वो फिर वो ब्लेसिंग्स के तौर पे सबको भेजते हैं। रुद्राक्ष मीन्स गुरुजी, तो महादेव के आंसू है ना, तो वो चीज़ भी मेरे महादेव से जुड़ी हुई, तो वो अगर वो आई मेरा नाम वहाँ पे आया और मुझे रुद्राक्ष मिले तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। तो मैं खुद को इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ ना, मैं कैसे कैसे बताऊँ। मैं जब भी मेरा दिल करता है ना गुरुजी, आज जफ़ी फांद दिल कर रहा है, तो मैं उनको स्वरूप को पकड़ के इतनी जो कस के ना जफ़ी डाल लेती हूँ। मैंने कहा गुरुजी आज ना सच्ची बड़ा ही प्यार आ रहा है आप पे, आपने इतनी 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 ब्लेसिंग्स दे रहे हो ना, तो मैं कैसे कैसे शुक्राना करूँ। फिर गुरुजी के बर्थडे का सत्संग आया मुझे, तो मेरे माइंड में था कि ना मैं ये वाला सूट डाल के जाऊंगी, तो फिर पर नेक्स्ट डे ना मैंने पिंक कलर का सूट निकाला तो ये डाल के चली गई। मैंने कहा ये वाला ठीक है, दूसरा वाला ना प्रेस होने वाला है। तो वहाँ पे जाके देखा मैंने, तो उन्होंने वाइन कलर का ना चोला डाला हुआ था। मैंने कहा गुरुजी मुझे लगा था कि आज आपने ना पिंक कलर का चोला डाला होगा। घर आई संगत जी और मैंने बड़े मंदिर की जब डेकोरेशन देखी तो वो बेबी पिंक कलर की। मैंने कहा अच्छा गुरुजी इसीलिए आपने मेरे साथ मुझे वो पीच कलर का नहीं मुझे पिंक कलर का सूट डलवाया, तो मेरी आपकी वहाँ से ही मतलब मैचिंग हो गई। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला करना गुरुजी। आप इतने प्यारे हो, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो अपने बच्चों को, हमारे साथ साथ रहना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।